नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम मिली युवक के शव की परिजनों द्वारा पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम मोहम्मद शरीफ निवासी निपानिया है, जो ट्रांसपोर्ट नगर में डेंटर की दुकान का संचालन करता है। परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे दुकान से पैदल निकला था, जबकि उसकी स्कूटी दुकान में ही खड़ी हुई थी। देर शाम तक जब युवक वापस नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई पता नहीं लगा। रविवार की सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान परिजनों द्वारा मोहम्मद शरीफ के रूप में की गई है। परिजनों की माने तो युवक 2 बजे दुकान से निकला है, जबकि शाम करीब 4 बजे उसका शव सैनिक स्कूल के परिसर में मिला है। इसका मतलब बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से युवक को सुनसान इलाके में ले जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल मृतक के परिजनों से पूछताछ कर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कला थाना क्षेत्र में बॉडी मिली है, कौन है आपके? वो मेरे पापा हैं। क्या नाम था उनका? शरीफ खान। कहाँ के हैं वो? वो निपनिया के हैं। ये कब निकले थे घर से? ये सुबह निकले थे 8 बजे। कहाँ के लिए निकले थे? हाँ, वो दुकान के लिए निकले थे। तो 1 बजे मैं वहाँ जब पता कर वो गया था शाम को पता उतर करने, जब वो घर नहीं आए, ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं पता करने वहाँ गया तो पता चला कि वो दुकान में थे ही नहीं, और दुकान खुली थी उनकी, गाड़ी वहीं खड़ी थी। इसके बाद फिर आपको सूचना मिली कि वहाँ पड़े हुए हैं? हाँ, फिर तो वो आज सुबह जब मैं पेपर में देखा तब एकदम कन्फर्म हुआ कि वो डेड बॉडी पापा ही की है। किसी की वो शंका है क्या आपको? शंका नहीं है, वो बहुत अच्छे रहे, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नशे से सबसे दूर रहे। कारण क्या होगा? कुछ देखिए, यही हुआ है कि 1 से 2 के बीच में वो लगता है कहीं जा रहे थे, उनके दोस्त बताए हैं वहाँ के कि वो दुकान से निकले 1 बजे, तो उनके दोस्त बोले आओ भाई चाय पी लो, तो वो बोले नहीं नहीं अभी ना पियेंगे, तो वहाँ से चले गए हैं। हाँ, फिर उसके बाद का नहीं पता चला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजान खान।